देखते आज की खास खबर। खाने का पैसा मांगने पर दबंगों ने की डंडे से मालिक स्टाफ की पिटाई, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। नई दिल्ली गाजियाबाद एक ढाबा से दबंगई और मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई है। ढाबा में खाना खाने के लिए आए दो युवकों से जब स्टाफ ने पैसे मांगे तो वे स्टाफ से मारपीट कर बैठे और ढाबा का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। मामला गाजियाबाद के विजयनगर का है, जहां एक ढाबे पर पिछले कुछ दिनों से दो युवक खाना खाने आते हैं। हालांकि जब ढाबा स्टाफ द्वारा पैसे मांगे जाते हैं तो गुस्सा दिखाते हैं। इस तरह हर बार वे रुपए देने से बचते हैं। उनसे पैसे मांग लिए जाए तो वह गुस्से में वापस आकर मारपीट करते हैं। वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये लोग कैसे मारपीट कर रहे हैं। नहीं की गई कोई कार्रवाई। ढाबे के मालिक का यह भी आरोप है कि दोनों युवक खुद को विजयनगर के थाना इंचार्ज का करीबी बताते हैं। कहते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी पुलिस का रिश्तेदार बनकर दोनों रौब जमाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मामले की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी गई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पर मौजूद, लेकिन मैंने अपने कैमरे में देखा उस वीडियो को, तो हम उसके रिपोर्ट करने आने गए, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने मुझसे एप्लीकेशन लेकर उस पर कुछ कट्टर पिटिस करी, काटना पिटना करा, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और मुझे भगा दिया गया। कहने का मतलब अपने तरीके से एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाई। हाँ, इस तरीके से मतलब, हाँ ये इस तरीके से मान लो, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज ना करके मुझसे ये कहा गया कि आप अपना लाइसेंस दो। लेकिन हमारे हम पिट भी गए और छिट भी गए, लेकिन हमसे ही लाइसेंस मांगा गया और हमें भगा दिया गया कि तुम्हारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ये बात किसने कही आपसे? सर ये तो मैं मालूम नहीं है, नाम क्या था उनका, जैकेट पहन रखी थी क्योंकि ठंड हो रही थी उस टाइम पर, मौसम चेंज था, तो नाम मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हाँ मैं पहचान सकता हूँ ना किन्होंने कही मुझसे। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आईजी प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।